जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 48 घंटे में तीसरा इनकाउंटर। सेना ने जैश के 3 आतंकवादियों को घेरा। बिजबेहरा में 2 आतंकी ढेर। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस सेना की 42 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ शुरू होने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आज से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के लिए तमाम राज्यों ने जारी किए दिशा निर्देश। नियमों में बड़ी छूट, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मेट्रो। आपको बता दें कि अनलॉक 2 के दिशा निर्देश 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। इसके अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। 80 करोड़ गरीबों के लिए नवंबर तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नीतीश ने दिया धन्यवाद, राहुल ओवैसी ने पूछे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को चीन पर बोलना था, लेकिन वो चना पर बोलकर चले गए। ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारे त्योहारों के नाम लिए, लेकिन वह अपने भाषण के दौरान कुछ समय बाद होने वाली बकर ईद के पर्व का जिक्र करना भूल गए। महाराष्ट्र में 4878 नए मामलों के साथ आंकड़ा 1,75,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली में 2,199 नए केस, कुल तादाद 87,000 के पार। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को कोरोना के 4878 नए मरीज मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 1,74,761 हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,855 हो गई, जबकि अब तक 90,911 मरीज ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं। बतौर राज्य सरकार, मुंबई स्थित झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,268 हो गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की एक क्लिनिक में जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत, मरने वालों में 10 महिलाएं। गैस रिसाव से धमाका होने की आशंका। ईरानी सरकार चैनल की खबर के मुताबिक घटना रात में हुई। फिलहाल दमकलकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तेहरान की आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख पेमन सबेरिया ने कहा कि दुर्घटना संभवतः गैस कैप्सूल विस्फोट के कारण हुई।